ये जो हनुमान जी की पाखाण मूर्ति जिसमें हम सिंदूर चोला चलाते हैं, ये पहले हनुमान चौक उत्तरकाशी में थी, अभी भी उस चौक का नाम हनुमान चौक है। 72 में इस मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हुई है। इसके साथ गणेश जी भी हैं और स्वयं हनुमान जी की मूर्ति है। यहाँ प्रतिवर्ष एक पक्षीय 15 दिवस की कथा होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर और पूर्णमासी तक, जिसमें हम लोग श्रीमद् देवभागवत महापुराण एवं राम कथा का दिव्य आयोजन होता है, जिसमें अनेक क्षेत्र अनेक विद्वान आते हैं और समस्त भक्तों को हनुमान जी के जीवन चरित्र के गरिमामय कथा सुनाते हैं। और जो आप ये ध्वज देख रहे हैं, ये ध्वज हनुमान जी का है और इसमें लोगों ने अपनी मन्नत मनोकामना बांधी हुई। अवश्य इस ध्वज को जो अपनी मनोकामना बांधती पूर्ण होती है, ये यहाँ का एक बहुत बड़ा इतिहास है। और ये उत्तरकाशी है, जहाँ पूर्व में उत्तरवाहिनी गंगा जी थी। 400-500 साल पहले बाढ़ आई और यहाँ से एक पर्वत गिरा, उसने गंगा जी दक्षिण दिशा कर दी और ये भारत की उत्तर दिशा, इसलिए यहाँ का नाम उत्तरकाशी। काशी भगवान शंकर की, ये त्रिशूल के ऊपर काशी है। और मुझे हनुमान जी के चरण में लगभग 22 साल पूजा करते हो गई। मेरा नाम शिवप्रभर शास्त्री, साहित्याचार्य हूँ, मैं कथा भी करता हूँ और समय समय पे जो आजकल यात्री लोग चल रहे हैं उनको भी उत्तरकाशी के बारे में बताता हूँ।